स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए चूड़ीदार पजामी की हम दो तरीके से कटिंग करते हैं, लेकिन आज जो मैं तरीका बताऊंगी आपको ये सबसे आसान तरीका है। एक वीडियो मैंने पहले भी डाली है मेरे चैनल पे, लेकिन उसमें क्लियर भी नहीं है, तो उसके लिए सब्सक्राइबर के बहुत सारे कमेंट है। अब मैम हमारे लिए चूड़ीदार पजामी की दूसरी वीडियो आप डालें, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। लंबाई में से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और चौड़ाई में से भी इसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से हम इसमें से बेल्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से बेल्ट निकाल लेंगे। देखिए चूड़ीदार पजामी में हम 7 इंच की यहाँ से बेल्ट लगाते हैं तैयार, और यहाँ पे हम 2 इंच ज्यादा लेंगे, यानी कि ऊपर से हम फोल्ड करेंगे यहाँ से नेफा के लिए, तो 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हम 9 इंच पे ये निशान लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से हम इधर भी 9 इंच पे लगा देंगे। अब यहाँ से हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब यहां से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब यहां से हम देखिए, यहां से दोनों साइड से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। और आपको ध्यान रखना है ये कपड़े की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, यानी कि सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है, तो हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों साइड में सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने बंद कर ली है सिलाई लगा के। इसके बाद हम इसको इस तरीके से लेंगे, ये कपड़े की चौड़ाई है, इसको ऐसे लेंगे और यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम इस कपड़े को पकड़ेंगे इस तरीके से, और यहाँ से देखिए कपड़े की लंबाई में हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसमें इस तरीके से हम पूरे कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और ये कपड़ा हमारा एकदम बंद हो जाएगा चारों तरफ से। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये कपड़ा हमारा चारों तरफ से एकदम बंद हो गया है, यानी कि थैली जैसा ये कपड़ा बन गया है। इसके बाद हम यहाँ से देखिए इसमें दोनों साइड में इस तरीके से कोने बन जाते हैं। इस साइड में भी ये कोने बन गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस साइड में भी इसी तरीके से ये कोने बन गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। अब यहां से देखिए इस कोने से हम इस तरीके से सीधा करके यहां से इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहां पे हम पहले छोटा सा कट लगाएंगे इस तरीके से, और इसके बाद हम इस कैंची को अंदर डालेंगे इसमें, और यहां से हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे।
इस साइड को भी हम इसी तरीके से खोल लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको ये बराबर करके बिछा लेना है और यहाँ से देखिए दोनों साइड ओपन हो गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको इस तरीके से ये कपड़ा बिछाना है, जैसे हमारी ये सिलाई है ये इधर की साइड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम नीचे मोरी का निशान लगाएंगे, मोरी हम 5 इंच तैयार रखेंगे तो हम ये 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये सिलाई हमारी यहाँ मोरी की तरफ नहीं होनी चाहिए, इधर की साइड होनी चाहिए। यहाँ पे हमने 7 इंच का मोरी का निशान लगाया है। इसके बाद हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी हमने 7 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम पजामे की लूजिंग लेंगे, इस तरीके से हम पजामे की लूजिंग लेंगे। आप ज्यादा हेल्दी हैं तो आप यहाँ से ही आसन का निशान लगा सकते हैं। आपको इसकी लूजिंग कम करनी है तो आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। हम ये चूड़ीदार पजामी में थोड़ी कम लूजिंग रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ से 18 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से आसन का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। यहाँ पे 7 इंच पे मैंने आसन का निशान लगाया है। 7 इंच की हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। आप आसन और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, 8 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैंने ये 7 इंच पे लगाया है। इसी तरीके से हम इस साइड में भी निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से निशान लगा दिया है। अब एक दूसरे निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये आसन का निशान है, और यहां से हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। यहां से हम ऊपर की साइड से नाप लेते हैं, यहाँ पे 20 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इधर से भी हम 20 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से, अब यहां से हम इसमें निशान लगाएंगे। अब इसी तरीके से हम इस साइड में भी निशान लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हम बिल्कुल गहरा कर देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं और एकदम निशान गहरे कर दिए हैं। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से कटिंग हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
देखिए इस तरीके से बेल्ट मैंने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे डोरी डालने के लिए नेफा बनाया है। इसके बाद हम यहाँ पे आसन पे सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों साइड के आसन पे सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें बेल्ट को जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम बेल्ट को इस तरीके से बराबर करेंगे और उसके बाद हम इसका बीच सेंटर करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमने बीच सेंटर में एक कट लगाया है, एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ से हम बैक साइड से बेल्ट को जॉइंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने देखिए बैक साइड का आसन लिया है और यहाँ पे हम एक प्लेट इधर से डालेंगे और एक प्लेट हम इस साइड से डालेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। इसके बाद हम ये देखिए बेल्ट को बैक साइड से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए एक कट हमने यहाँ पे लगाया है, तो हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ये कट आने के बाद हम इसमें इस कपड़े को एडजस्ट करना शुरू कर देंगे, यानी कि यहाँ से हम इसमें आगे की साइड में प्लेट डालना शुरू कर देंगे। जो भी ये हमारा कपड़ा है ये हमको इस बेल्ट में यहाँ तक ही एडजस्ट करना है, तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये बेल्ट जॉइंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बेल्ट मैंने इसमें जॉइंट कर ली है। इसके बाद हम नीचे की साइड मोहरी पे सिलाई लगाएंगे। मोहरी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दोनों मोहरी पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों साइड की मोहरी के ऊपर हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप अपनी फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे मैं ये 5 इंच की मोहरी रखूंगी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के और सलवार मैंने एकदम कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से इस कपड़े को हम कट नहीं करेंगे, यहाँ से हमको कई बार लूज करने की जरूरत पड़ जाती है, तो यहाँ से हम इसको लूज भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ से कट नहीं करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए बेल्ट पे हम इस तरीके से यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के और सलवार मैंने सीधी कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये चूड़ीदार पजामी हमारी एकदम कंप्लीट है, बहुत प्यारी लगती है ये पहनने के बाद में। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।